नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। अमेरिका के सांसद ने भारत के लिए दिया एक धमाकेदार बयान, कहा कि भारत से भूलकर पंगा नहीं लेना। अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी के नेता सीनेटर टेड क्रूज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर काटसा के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और अगर हमने लगाया तो यह हमारी बड़ी मूर्खता होगी। अमेरिकी सांसद ने यह भी कहा कि कई ऐसी रिपोर्टें हैं कि बाइडेन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ काटसा के तहत प्रतिबंध लगाने की बातचीत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यह फैसला असाधारण रूप से बहुत गलत होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि भारत कई क्षेत्रों में हमारा अहम साझेदार है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका का गठबंधन और गहरा हुआ है और मजबूत भी हुआ है, और ऐसे में अगर बाइडेन गलत फैसला लेते हैं तो ये अमेरिका के खिलाफ ही होगा। दरअसल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में इसलिए फैसला कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारत ने यूक्रेन की ना तो समर्थन में वोट दिया, ना ही पक्ष में दिया, और ना ही भारत रशिया के खिलाफ किया। ऐसे में बाइडेन ने कहा कि भारत तो एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, ऐसे में उसकी बात का वजन भी होगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर तटस्थ नीति अपनाई, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई मुद्दों पर मौन रहना भी बहुत बड़ा इशारा करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के T-72M1 अजय मेन बैटल टैंक को रूसी डिजाइन पर आधारित किए गए एक नए V-46-6 इंजन के साथ अपडेट कर रहा है, जिसकी क्षमता 780 हॉर्स पावर की है। साथ ही इसके साथ एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम, रिएक्टिव आर्मर, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी होगा। इसके अलावा इसमें एक नया कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम होगा, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट राइनो दिया गया है, और ये पहली बार नहीं है जब CVRD T-72 टैंकों को अपग्रेड करने के साथ इसका इस्तेमाल कर रही है, और ये पहली बार नहीं है जब CVRD ने T-72 टैंक के साथ इस तरीके के अपग्रेडेशन और एक्सपेरिमेंट किया है। पिछली बार CVRDA ने टैंक EX को विकसित किया था, जिसमें T-72M1 अजय का चेसिस और अर्जुन MBT का टरेट और हथियार प्रणाली थी, लेकिन उस दौरान भारतीय सेना ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया था। T-72M1 MBT भारतीय सेना के बख्तरबंद स्ट्राइक फॉर्मेशन में 1200 T-90 के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाते हैं। भारतीय सेना के पास अभी अपने शस्त्रागार में लगभग 1700 T-72M1 MBT है, और अगले कुछ वर्षों में 700 से 800 पुराने लॉट को रिटायर भी किया जाएगा, जिन्हें अधिक आधुनिक T-90 और अर्जुन MK-1 MBT के द्वारा बदला जाएगा। भारतीय सेना ने पहले ही 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जो कि 2030 से सभी T-72 बेड़ों को बदलना शुरू कर देंगे। इजरायली एयरफोर्स ने कहा कि उनके स्टेल्थ फाइटर जेट ने ईरान के 2 ड्रोन्स को खत्म कर दिया, जो कि इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें F-35I में से एक ड्रोन को उलझते हुए दिखाया गया। साथ ही इजराइल का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स के F-35I ने 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जो इजराइल के रास्ते में थे, और उन्हें काफी दूरी से मार गिराया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन्स को मारने के अलावा F-35I फाइटर जेट ने 3rd UAV को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए मार गिराया। हालांकि यह पहली बार था जब किसी ड्रोन को मार गिराने के लिए F-35 जेट का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन गाजा पट्टी में हथियारों को ढो रहा था, जिन्हें हमास के आतंकवादियों को दिया जाना था, और ईरान हमेशा इस संगठन का समर्थन करता आया है। रशिया और यूक्रेन के संकट को लेकर सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा कि ये सबक है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर कदम उठाने होंगे। भविष्य के युद्धों को अपने हथियार प्रणालियों के साथ लड़ा जाना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसे कई सबक हैं जो कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से सीखे जा सकते हैं, और ये संकट दिखाता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई ऊंचाई हासिल हुई है। अब देश में बनी अत्याधुनिक ऑटोमेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम पेट्रोरिग, यानी कि एक विशेष सशक्त ड्रिल जो कि जमीन में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर तक की गहराई तक उच्च तापमान और दबाव में काम करेगी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा तैयार की गई 2000 हॉर्स पावर की इस रिग को आज सरकार के सार्वजनिक उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC को सौंप दिया गया। कहा जा रहा है कि ये कदम खोज और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर होगा। बता दें कि इस रिग को C4R1 रिग कहा जाता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित की गई है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि महज एक इंजीनियर की निगरानी में पूरे रिग को चलाया जा सकता है, क्योंकि रिग में एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर ऑटोमेटिक ड्रिलर केबिन है, जो तमाम जोखिमों को कम करता है, और अलर्ट सिस्टम के जरिए हर एक पार्ट की खराबी या फिर उसमें होने वाली कमी के बारे में रियल टाइम जानकारी देता है। MEIL ने कहा कि अब तक ONGC को 10 ऐसे रिगों की आपूर्ति की जा चुकी है, और ये रिग ONGC को पेट्रोलियम उत्पादों की खोज करने एवं उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। जहां यूक्रेन की जंग में रशिया कई हथियारों को गंवा चुका है, तो ऐसे में अब रूसी सेना ने हथियारों से लैस एक ट्रेन भेजी है।
कहा जा रहा है कि घातक हथियारों से लैस ये ट्रेन यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले रही है और ये ट्रेन रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के एक यार्ड से रवाना होकर यूक्रेन के मोलितापोल शहर पहुंची है और इस ट्रेन पर भी जेड का अक्षर बना हुआ है। इस ट्रेन में 2 डीजल इंजन लगे और उनमें अलग अलग तरीके की 8 बोगियां हैं। ट्रेन के पीछे एक ZU-23 डबल बैटरी ऑटोमेटिक तोप लगी है। इस तोप के जरिए हवा में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस ट्रेन में कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें कई तरीके के हथियार लदे हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 4 ट्रेनों को रूस ने चेचनिया और जॉर्जिया के युद्ध में इस्तेमाल किया था। दोस्तों, जहां अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगा रहा है रशिया के ऊपर, तो रशिया ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और रशिया ने अब जो पलटवार अमेरिका पर किया है, इसका भारी खामियाजा अमेरिका को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, जिसमें कि रॉकेट इंजनों की आपूर्ति बंद करने का फैसला रशिया के द्वारा लिया गया है। और ये जानकारी रूस की रॉसकॉस्मोस जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने कही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके की स्थिति रशिया के लिए की गई है, ऐसे में अमेरिका को हमारे द्वारा बनाए जा रहे इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट इंजनों की आपूर्ति अब नहीं होगी, उन्हें किसी झाड़ू या फिर किसी चीज से ही उड़ने दो। वहीं दिमित्री रोगजिन ने कहा कि रूस ने 1990 के दशक से अब अमेरिका को कुल 122 आरडी 180 इंजनों की सप्लाई की है, जिनमें से 98 का उपयोग एटलस को लॉन्च करने के लिए बिजली देने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि रॉसकॉस्मोस उन रॉकेट इंजनों की भी सर्विसिंग बंद कर देगा जो पहले अमेरिका को दिए गए हैं। अमेरिका में अभी भी 24 इंजन है जिन्हें अब रूस की तकनीकी सहायता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में आपको हमने बताया भी था कि यूरोप के साथ भी अब कोई सहयोग नहीं करने वाला रूस। रूस ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगने पर अब फ्रेंच गुयाना के कैरो स्पेस पोर्ट से अंतरिक्ष प्रक्षेपण पर यूरोप के साथ अब कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही रूस ने ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी वनवेव से गारंटी की भी मांग की है, जिसमें कहा गया है कि इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के युद्ध में केवल पुतिन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उल्टा पुतिन को ही चैलेंज करने लगे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि मैं कीव में हूं और किसी से नहीं डरता। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने उन देशों पर भी प्रहार किया जिन्होंने उन्हें झूठे वादे किए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें युद्ध के लिए अकेला छोड़ दिया गया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपने एक वीडियो में कहा कि 13 दिनों से हम वादों को सुन रहे हैं, 13 दिनों से हम यही सुन रहे हैं कि हमें हवाई सहायता मुहैया कराई जाएगी, विमान दिए जाएंगे और उन्हें हम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, यूक्रेन हो चाहे फिर नाटो देश हो, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी। वो रूस है भाई, एक पावर है। ऐसे में रूस चाहता तो केवल 2 दिन में इस पूरे युद्ध का सिनेरियो चेंज कर देता, लेकिन फिर भी रशिया काफी धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। सूरत स्थित सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग अंतरिक्ष यात्रियों के यूरिन से पीने योग्य पानी का उत्पादन करेगा, जिसका इस्तेमाल गगनयान के लिए किया जाएगा। रासायनिक इंजीनियरों की एक टीम ने कहा कि कक्षा या फिर अंतरिक्ष स्टेशन के दौरान पानी ले जाना काफी अक्षम भी होता है और एक महंगा भी होता है। यही कारण है कि जल का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग काफी जरूरी हो जाती है। ये प्रणाली अंतरिक्ष मिशन के दौरान पीने योग्य पानी और जो केंद्रित पोषक तत्व होते हैं उन्हें मानव मूत्र से अलग करेगी और इस सिस्टम के सेंटर में फ्लूइड थर्मल सेंसिटिव नैनो पार्टिकल्स होंगे। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अतिरिक्त सामग्री लोड करनी होती है जो शटल के वजन को बढ़ाती है, और अंतरिक्ष यान के प्रत्येक किलो में वजन की वृद्धि का मतलब है करीबन $25,000 से $60,000 के बीच की लागत आना, जो सीधा इसके ऑपरेशनल लागत को प्रभावित करती है। हालांकि ये परियोजना काफी जटिल भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में बंद जीवन समर्थन प्रणाली को बनाना है, और ये प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के पास लंबे समय तक और गहरे अंतरिक्ष मिशन में जीवित रहने के लिए आवश्यक जल संसाधन हो। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।